नमस्कार दोस्तों, इस बात में कोई शक मत रखिएगा कि एक दिन जब आप सो करके उठेंगे और आसमान में देखेंगे तो आपको एक नहीं दो सूरज दिखाई देंगे। एक सूरज से तो हम काफी फैमिलियर हैं, पर ये दूसरा सूरज क्या और कैसा होगा? आप चौंकिए नहीं, क्योंकि ये जो दूसरा सूरज होगा वो हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमसे बहुत दूर होगा, लेकिन हमें ये देखने को जरूर मिलेगा। ये एक तारा है जो कि सन से 1,00,000 गुना बड़ा है, जिसका नाम है बेटेलगेउस। ये भी एक सूरज है जो कि हमारे सूरज से 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा है और जिसका नाम है बेटेलगेउस। ये हमसे 642 लाइट ईयर दूर है, ये हमसे काफी दूर है। ये तारा हमसे 642 लाइट ईयर दूर है और इसका अंत काफी करीब है। आपको ये बात पता होगा, जब बड़े बड़े तारे मरते हैं, खत्म होते हैं, तो उनका सुपरनोवा बन जाना तय होता है। और इस स्टेट में, इस अवस्था में ये तारे इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जितनी कि समझ लीजिए हमारा सूरज जो है एक साल में प्रोड्यूस करता है। हम फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि ये हमसे 246 लाइट ईयर दूर है, ये हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जब ये तारा सुपरनोवा बनेगा तो इस तारे को हम अपनी पृथ्वी से बहुत ही साफ साफ देख सकेंगे। ये जो दूसरा तारा है वो हमारी लाइफ को जरूर अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये रात ही नहीं होने देगा। हमारा जो सन है वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से ही चलेगा, पर ये जो दूसरा तारा है इसका कोई स्केड्यूल नहीं होगा। पर यहाँ सवाल उठता है कि कितने दिनों तक हमारे पास दिन रहेगा? ये रात तो होने देगा नहीं, तो ये तारा कितने दिनों तक रात नहीं होने देगा? ये तारा एक या दो दिन नहीं, पूरे के पूरे एक महीने तक रात नहीं होने देगा, यानी हमें एक महीने तक दिन ही दिन देखने को मिलेगा। पर हमारी लाइफ कहीं ना कहीं जरूर अफेक्ट होगी, क्योंकि हम दिन में तो जागते हैं और रात में सोते हैं, और जब हमेशा दिन रहेगा, एक महीने तक दिन रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? ये तारा हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, हमें कोई भी खतरा नहीं है, पर ये पेड़ पौधों को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। एक सवाल और, क्या इस दुर्लभ और रोचक नजारे को हम देख सकेंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, 642 लाइट ईयर दूर है। अगर हम ये चाहते कि आज के आज हमें ये दृश्य देखने को मिले, तो अगर ये 642 साल पहले फटा होता या सुपरनोवा बना होता, तो आज के आज अभी एग्जैक्ट इसी समय हम देख रहे होते इसको। पर ऐसा नहीं है, इसकी दूरी काफी ज्यादा है और हम आगे भी नहीं देख पाएंगे अपने जीवन काल में, क्योंकि अगर ये आज भी फटता है तो इसका नजारा हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगा 642 लाइट ईयर बाद, यानी 642 साल बाद, और तब तक भी हम सर्वाइव नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ एक बात आती है कि ऐसा कब होगा? तो ऐसा कब होगा इसकी एग्जैक्ट डेट किसी के पास भी नहीं है। साइंटिस्ट हमें सटीक अनुमान लगा के नहीं बता पाएंगे कि ऐसा कब होगा, लेकिन ऐसा होगा जरूर, और इतनी भी गारंटी है कि हम और आप उसे नहीं देख पाएंगे ऐसा जब भी होगा। लेकिन काश ये नजारा हम देख पाते और काफी दुर्लभ नजारा होता। उम्मीद करते हैं भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो हम अपने जीवन काल में जरूर देख पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब मेगा फैक्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।